हाई शिकार इधर हुए हैं और सबसे महंगा शिकार इस साल हुए हैं 2019 में, 1,50,000 डॉलर में एक शिकार हुआ। काफ़ी लोग यहाँ जाते हैं क्योंकि ये चित्राल से बहुत नज़दीक भी है और इजीली एक्सेसिबल भी है। 15-20 मिनट में बंदा मोटर बाइक में गाड़ी में बैठ के वहाँ जा सकता है। और मैं पंजाब से आया हूँ, फैसलाबाद का रहने वाला हूँ। टूरिज़म की इंफॉर्मेशन और फैसिलिटेशन के लिए हमने एक ऐप भी अब बनाया हुआ है KP टूरिज्म के नाम से। यू आर नॉट सब्सक्राइब इश्पाता डिस्कवरी येट, subscribe now Ishpata Discovery, click on bell icon so you can get more interesting discovery. Tushi Cab Reserve jo hamare Chatral mein waqi hai ye bahut ahmiyat ki hamil hai kyunki yahan hamare kafi mark horse yahan reserve kiya gaya hai aur yahan rakhe hue hain aur kafi log yahan jate hain kyunki ye Chatral se bahut nazdeek bhi hai aur easily accessible bhi hai। 15-20 मिनट में बंदा मोटर बाइक में गाड़ी में बैठ के वहाँ जा सकता है और उस जगह में जाके लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है, मार्क होल देख सकता है, वहाँ सीनरी देख सकता है, वहाँ बहुत खूबसूरत जगह है, बैठ सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं। और टूरिज़म डिपार्टमेंट की यही काविश है कि वहाँ एक रेस्ट एरिया बनाया जाए, फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाए ताकि लोग उधर आके आराम से बैठ पाएँ, आराम से वो अपने सैर व तफरी के लिए मालखोरस को भी देख पाएँ। और लोगों के लिए भी ये बहुत अहमियत की हामिल है कि यहाँ लोग सिर्फ देखने के लिए नहीं जाते हैं, लोग हंटर्स भी यहाँ आ जाते हैं और जब यहाँ हंटिंग करते हैं तो फिर ये इंटरनेशनल हंटर्स यहाँ आ जाते हैं, तो लोकल कम्युनिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ इनकम जनरेट होता है, वो पैसा रॉयल्टी के हिसाब से लोकल कम्युनिटीज़ को दिया जाता है ताकि वो इन जानवरों की देखभाल कर सकें, इलीगल हंटिंग से लोगों को दूर रखा जाए। तो इसी वजह से टूरिज़म कॉरपोरेशन टूरिज़म डिपार्टमेंट काफ़ी कोशिश कर रहा है कि इस जगह पे एक छोटा सा रेस्ट या टूरिज़म फैसिलिटेशन सेंटर तमीर किया जाए, वॉशरूम फैसिलिटीज दिया जाए, टाक शॉप्स बनाए जाए, कोल्ड ड्रिंक्स लोगों को मिल जाए ताकि लोग आसानी से यहाँ जा सकें और टूरिज़्म को प्रमोट करने में यह हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। मेरा नाम सागर सलीम है। जी, इधर हमने सुना है कि इधर मार्खोर आते हैं, तो मैंने तो लाइव कभी भी नहीं देखा, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। तकरीबन सुना है कि वो तकरीबन 6-6:30 बजे के करीब जब वो सूरज नीचे हो जाता है तो वो लाइट में उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो शाम के वक्त आते हैं नीचे पानी वगैरह पीने और वैसे ही खाना वगैरह। मेरा नाम नसीर अहमद है और मैं तुलसी में 2006 से काम कर रहा हूँ। 17 वाचर स्टाफ हैं, वो इनकी हिफाजत करते हैं। तकरीबन 2400-2500 मारखोर इधर पाए जाते हैं। 28 शिकार इधर हुए हैं और सबसे महंगा शिकार इस साल हुए हैं 2019 में, 1,50,000 डॉलर में एक शिकार हुआ। 80% कम्युनिटी को जाता है, 20% गवर्नमेंट को। पर वो 8 किलोमीटर पर वाकई है और हर किस्म की गाड़ियों पर इधर आते हैं क्योंकि रोड पक्की है इधर। इधर मरखोर पाए जाते हैं और लिंक्स पाए जाते हैं और चकोर, राम चकोर, बाकी दूसरे परिंदे भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं पब्लिक को इसके हवाले से ये मैसेज देता हूँ कि वो इसका हिफाजत करें क्योंकि हमारा मुस्तकबिल इसके वजह से रोशन हो जाएंगे। आपके लिए एक खूबसूरत मकाम है जहाँ कल्चरल ब्यूटी के साथ साथ, कल्चरल खूबसूरती के साथ साथ मुख्तलिफ सकाफतें और रंग, नस्ल और नायाब मारखोर भी पाए जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि चित्राल से इंतहाई करीब और आसानी से आप शेर शाम जा सकते हैं, जहाँ तुशी गेम रिजर्व में आप देख सकते हैं मारखोर्स, उनके छोटे छोटे नन्हे बच्चों को, जो कि आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। आप कुदरत के इन शाहकारों का अपने आँखों से नज़ारा कर सकते हैं। ये मनाजिर आप चित्राल टाउन के इंतहाई करीब, जो कि 20 से 30 मिनट के ड्राइव पर आप
देख सकते हैं तुशी गेम रिजर्व के एरिया पर, जो कि मारखोर और खूबसूरत नज़ारे आपके मुंतजर हैं। अगर आप चित्राल के दौरे करना चाहते हैं, अगर चित्राल आना चाहते हैं तो ज़रूर इस मकाम पे जाइएगा। लेकिन यहाँ हर वक्त आपको मारखोर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप 6 बजे के करीब शाम के वक्त वहाँ जाएंगे तो आप मारखोर के नज़ारा कर सकते हैं। टाउन से करीबी सियाती मकामात का दौरा कर सकते हैं, जिसमें आप चित्राल फोर्ट और शाही मस्जिद का भी दौरा कर सकते हैं। अपने शॉर्ट टाइम में इन सब जगहों का नज़ारा करने के लिए आप इंतहाई मौजू है, जो कि 30 मिनट की दूरी पर है चित्राल टाउन से, मेन गर्म चश्मा रोड पर वाकई है। अगर आप गर्म चश्मा जाना चाहते हैं तो रास्ते में 5-6 बजे के करीब आप मारखोर का नज़ारा भी कर सकते हैं। अगर आप कुदरती माहौल को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं प्रीमो क्लश का एरिया, जहां आपको खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ मारखोर और मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे भी देखने को मिलेंगे। आप देखते रहिएगा इशपाता डिस्कवरी, जिसमें हम आपके लिए ला रहे हैं इंतहाई खूबसूरत और बहुत ही दिलचस्प मनाजिर और ख़ूबसूरत परिंदों चरिंदों का मनाजिर आपको दिखाएंगे। चूँकि वाइल्ड लाइफ टूरिज़म भी एक खूबसूरत सब्जेक्ट है, एक खूबसूरत नाम है जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। चूँकि बहुत सारे लोग सकाफत रंग कल्चर को देखने आते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि पहाड़ों से दिलचस्पी रखते हैं और साथ ही साथ मारखोर और जंगली हयात को देखना पसंद करते हैं। अगर आप जंगली हयात देखने के शौकीन हैं तो तुशी गेम रिज़र्व एक परफेक्ट एरिया है आपके लिए। आप यहाँ जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं खूबसूरत मनाजिर के साथ साथ फ्लोइंग वाटर, एक जो कि जो गर्म चश्मा रिवर बह रही है, इसको भी आप इन्जॉय कर सकते हैं बैकग्राउंड में, और साथ ही साथ खुदा का बनाया हुआ शाहकार मारखोर, जो कि बहुत सारे लोग इनसे प्यार करते हैं। और आपको ये बताएं कि मारखोर ऐसा जानवर है जिसकी सबसे महंगी शिकार की जाती है, और जो बताया गया शुरुआत में कि इसकी जो लास्ट हंटिंग हुई थी, हंटिंग ट्रॉफी के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है वेल्ड डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि $150,000 पे एक मारखोर की शिकार की गई थी। जो आप देख रहे हैं ये फीमेल मारखोर्स हैं, जो कि छोटे हैं कद में, लेकिन जो बड़े मारखोर हैं वो भी इस वक्त हाई पास्चर्स में होते हैं, और जो ही सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं, और प्रिमोक्लश के एरिया और तोशी गेम रिज़र्व के मुख्तलिफ पहाड़ियों में ये गुजर बसर कर रहे होते हैं। मारखोर दरख्तों पे आसानी से चढ़ते हैं, ये आप मनाजिर आप देख रहे हैं बिल्कुल अपनी स्क्रीन पे, और ये आसानी से पहाड़ों पर भी फिरते हैं, घूमते हैं और इन्जॉय करते हैं। इन नन्हे मारखोर्स को भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो इनके ही दिलचस्पी से फुर्ती से जो है मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को। इसके साथ साथ अगर आप लेक्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चित्राल में बहुत सारे लेक भी हैं, जो कि कैलाश वैलीज में भी मौजूद हैं। बॉक लेक के नाम से बहुत ही मशहूर लेक जो है कैलाश वादी में भी है, साथ ही साथ कुरम्बरा लेक, शंदूर लेक, बहुत सारे एरियाज हैं वादी है चित्राल में जो कि आप इन्जॉय कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि बहुत सारे दोस्त मारखोर इन्जॉय कर रहे हैं एक साथ, और मारखोर जिस तरह आप देख रहे हैं कि किस तरह वो आसानी से पहाड़ों पे चलते हैं, फिरते हैं, इन्जॉय करते हैं, और मारखोर के बच्चे पैदाइश के फौरन बाद ही पहाड़ों पे चलंग लगाना और पहाड़ों पे चढ़ना फौरी से सीख जाते हैं, फौरी से नेचुरल एनवायरनमेंट एडजस्ट हो जाते हैं। उनके रंग अगर बताया जाए तो देखें बिल्कुल ये
पहाड़ जो मौजूद है तोशी के रिजर्व एरिया उसकी तरह है, मिट्टी के रंग से भी मिलता जुलता है, तो ये इतना आसानी से भी देखने को नहीं मिलते हैं अगर थोड़ा दूर हो तो। लेकिन ये शाम के वक्त बिल्कुल रोड के साथ दरिया के उस पार आ जाते हैं पानी पीने के लिए, और आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए तोशी गेम रिजर्व में 70 से ज़्यादा वॉचर्स जो कम्युनिटी और गवर्नमेंट की तरफ से तैनात हैं इनकी हिफाजत करते हैं ताकि इन नायाब जानवरों को इनकी हिफाजत की जा सके, और साथ ही साथ ये आइंदा नस्ल तक इनकी मुंतकली की जा सके, और साथ ही साथ ये इस कम्युनिटी के लिए इनकम का एक ज़रिया भी बने, क्योंकि 80% जो इनकम रेवेन्यू इनसे जनरेट होता है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट में इस्तेमाल की जाती है, और 20% बताया जाता है कि वो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को जाती है ताकि उनमें जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होते हैं उनको मेंटेन किया जा सके। टाउन से आप अपना सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। आतलक चीव पुल से अगर आप जाएंगे तो आपको राइट साइड पे चित्राल फोर्ट और शाही मस्जिद मिलेगा देखने को, और आगे बढ़ेंगे तो देनीन के मकाम पर चीव पुल है, जो चीव पुल बताया जाता है कि कैलाशा जब चित्राल में हुक्मरान थे तब चीव नाम का इंजीनियर जो कि ब्लेसिंग का भाई था बताया जाता है कि उसने चीव पुल तामीर की थी। अब वहाँ चीव पुल के नाम से ही एक पुल आपको मिलेगी, वहाँ से आप दरिया चित्राल का नज़ारा कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसी तरफ लेफ्ट साइड पे आप गर्म चश्मा रोड से अपना सफ़र का जारी रखेंगे। एयरपोर्ट रोड से होते हुए आप दोलोमुझ सिंगूर गाँव से परास आप जाएँगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको चित्राल यूनिवर्सिटी के एरिया से गुजर के आप तोशी गेम रिजर्व शरशाम की तरफ जाएंगे, और रास्ते में शली के मकाम शली गांव भी आप देख सकते हैं, और ये सब मनाजिर इंजॉय कीजिएगा। और आपके लिए बहुत सारे ढेर सारे और कुदरती माहौल को लेके आएंगे, कुदरती मनाजिर को लेके आएंगे, देखते रहिएगा इश्पाता डिस्कवरी।